रिकनेक्ट कुछ आई मेरा पेज ही मिस हो रहा है ऐसे पोस्ट में जाइए हेलो एवरीवन वेलकम टू ए के आर टेन पेंटिंग क्लासेस सो जैसे कि आपसे प्रॉमिस था कि कनिष्का की प्रोग्रेस आप सब देखते जाएंगे साथ साथ और कुछ कुछ नया नया भी आप लोगों के लिए इजी आर्टवर्क्स लेकर आएंगे तो आज उसी के लिए आपसे फिर से मिलने आए हैं सो आप देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस आई एम अनीता और जैसे कि कनिष्का की तो खैर परसेंट चली रही है और प्रोग्रेस चली रही है मैंने आपको बहुत टाइम पहले काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपको पेपर मैशे सिखाया था जिससे हमने कहा था हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे आप होममेड क्ले बनाते हो लाइक दिस के आप उसी से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो मैंने पेपर मैशे आपको दो तरीके से सिखाया था एक सिखाया था न्यूज़पेपर के साथ और एक था हमारे प्लेन ये जो वाइट वाले टिश्यू पेपर्स होते हैं ये वाले इनके साथ तो हमारे पास जो कॉल्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं मैम न्यूज़पेपर वाला मिल रहा है प्लेन वाला नहीं मिल रहा है तो फिर सोचा वैसे वही होगा कहीं हटाया नहीं है हम लोगों ने लेकिन फिर भी कई बार हो सकता है कि वो ऊपर नीचे चला गया हो तो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ और कैसे आप यूज़ कर सकते हो हम लोग भी उसके साथ आज सिर्फ बता दूंगी बनाना और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब उसको यूज़ करके दिखा देंगे कि कितनी खूबसूरत चीज़ें आप उसके साथ बना सकते हैं तो आज जो मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ इसको बेटा बहुत बारीक काटिए ठीक है चूँकि या एक काम कर ले पहले ना ये दोनों भर ले हाँ है ना तो वो मोटे वाला इसको एक बार साफ़ कर ले कपड़ा ले लेना टूथपिक से कर लेना हाँ तो आज वाली जो पेपर मैशे है उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए मैं दिखाती हूँ आपको ये वाली इसकी ऑन है वॉलेट ठीक रिपीट आ रही है आपको हाँ अब आई थी आवाज चलिए तो मैंने क्या किया है इस बोल में अगर आपको दिखाई दे रहा है ओके तो इस बोल में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये रहे टिश्यू पेपर जो मैंने नॉर्मल पानी के अंदर टुकड़े करके इसको पानी के अंदर डिप किया हुआ है बस जैसे ये वाला अगर मेरा हो तो इसके छोटे छोटे से टुकड़े इस तरह से करके आप डालोगे मैं अभी डाल देती हूँ अच्छा अगर आप न्यूज़पेपर का करोगे तो उसमें आपको क्या याद रखना है वो ओवरनाइट अगर आप करते हो और थोड़े गुनगुने पानी में करते हो तो ज़्यादा अच्छा आएगा हाँ इसके साथ आप साथ के साथ भी कर सकते हो दूसरा एक इसका जो प्लस पॉइंट रहता है अगर आप देखोगे तो जो हमारी न्यूज़पेपर वाला होता है वो थोड़ा सा क्योंकि न्यूज़पेपर का अपना ही कलर एक तो मिट्टी जैसा होता है दूसरा फिर उसके अंदर हम चॉक मिट्टी डालते हैं तो वो और मटमैला हो जाता है इसमें ये रहता है कि वाइट आता है लेकिन दोनों को अगर आप न्यूज़पेपर वाले के साथ कंफर्टेबल हो आप वो बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो मैं न्यूज़पेपर वाले में पहले जो डालती थी अपना जो हम पंजीरी वाली गोंद है उसके साथ बनाती थी तो ये देखो ये मेरे हैं पेपर्स और पानी की बोतल मैंने देखा मैंने नहीं रखी थी बेटा हेलो एवरीवन आई होप सिंपल पानी इस तरह से तो यही मैंने यहाँ पे डिप करके रख लिया ठीक है तो अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है यूज़फुल लग रहा है तो डू शेयर लाइक और ऐसे ही अपना सपोर्ट एके आर्ट को देते रहिए चलिए तो मैंने अभी तक क्या किया जो मेरे नॉर्मल वाले वाइट वाले टिश्यू पेपर्स थे इनको छोटा छोटा सा फाड़ा है और नॉर्मल पानी के अंदर मैंने डिप कर दिया ठीक अब इसको बहुत जोर से नहीं निचोड़ना है जैसे थोड़ा सा अच्छे से एक ही हाथ से बहुत हो जाएगा ये मैंने ले लिया ठीक ये लेने के बाद अगर आपको लगता है अभी आपको इसको और भी छोटा छोटा तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं ये हम क्या बना रहे हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं ये मैं पेपर मैशे का बना रही हूँ पहले भी वीडियो डाला हुआ है लेकिन पता नहीं क्यों सब लोग बोल रहे हैं न्यूज पेपर वाला दिखाई दे रहा है मैम ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने कहा दोबारा बताती हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाया था आप
न्यूज़पेपर वाले में मैंने आपको दिखाया था जो पंजीरी वाली गोंद है, लेकिन ऑब्वियसली वो महंगी पड़ती है, तो मैंने दोनों तरह से आपको काम करके दिखाया था। वो काफी टाइम हो गया उसको, वीडियो को शायद ऊपर नीचे कहीं हो गया। राइट। जी बहुत ही सस्ती आ जाती है कैमल वाली जो हमारी गोंद आती है, ग्लू जो पहले किसी टाइम में बच्चे अपने क्राफ्ट में यूज करते थे, तो पहले वो ले रही हूँ और ये लेके इसके अंदर। हेलो मिताली जी, हेलो दिव्या, तो सबसे पहले ये जो मेरा है, पहले इसको मैं इसमें स्पून का यही भी था इसके पास था। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, मन से तो डाल देते हो मेरे दोनों हाथ। यस, ये है चौक मिट्टी, ठीक है, जिसको चौक मिट्टी, चौक पाउडर जो आपके पास हो वो, और इसको लेके अब आपको क्या करना है, बिल्कुल आटे की तरह मल लेना है और डाल दो बेटा। हम हमेशा जैसे आप आटा भी मलते हो तो आप थोड़ा थोड़ा डालते जाते हो और उसको, अब ये देखो ये मैंने डाला है, अब इसको बहुत अच्छे से मुझे मैश कर देना ताकि ये जो मेरे कोई भी लंप नहीं रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक्स फ्रेंड्स, आप लोगों को हम दिल से जितना भी थैंक्स बोले, अभी बीच में सच बात है कि हम लोगों का आना बहुत कम हुआ है, क्योंकि आप लोग सब हमारी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, लेकिन सबका एक ही सब चल रहा था। आजकल बच्चे भी घर में थे तो सब कुछ इतना ईजी नहीं है, है ना, हमारी प्रायोरिटी हमारी फैमिली रहती है तो आजकल, लेकिन आप सुन रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो बच्चे भी स्कूल जाने लगेंगे, तो हमारी परी भी अपने स्कूल जाएंगी, तो सबकी पटरी, जैसे अभी स्टूडेंट भी अब हमारे को स्टूडियो में नजर आने लगे हैं, तो धीरे धीरे सब होगा, इनके भी कॉलेज शुरू हो गए हैं। हाँ, ये बच्ची भी अपने कॉलेज, इसीलिए आज सुबह की जगह शाम को नजर आ रही है, तो अब ये देख रहे हो आप, मैं कितना धीरे धीरे इसको बिल्कुल तोड़ते जा रही हूँ। मानसी आप दे दो बेटा पाउडर, तो थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। हेलो सुचित्रा जी, हेलो नीलम जी, हेलो सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। आप लोग हो तो हम हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, सब कुछ है, तो हमारा भी उतना ही मन करता है। आप ये देख रहे हो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अपने हाथ को गंदा करने का वो मत सोचना कि कैसे बचाएं, कोई बात नहीं है, कुछ ड्राइनेस नहीं आने वाली है हाथ में, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको हाथ गंदे करने ही पड़ते हैं। राइट, जैसे मैं ना इसको हाथ से तोड़ती जा रही हूँ और ये इसके अंदर मिक्स होता जा रहा है, ये इतनी प्यारी क्ले बनती है। मैंने दिखाया था बहुत सारे लोगों ने, तो तब कुछ बना बना के भी भेजा था पेज पे ही, बट पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे अब, तो इसीलिए फिर हुआ कि किसी एक या दो को वो कह रहे थे मैम आप हमें लिंक शेयर कर दो, तो फिर लगा कि कुछ को भेजने से अच्छा दोबारा बना देते हैं। ये देखिए मानसी ऑर्डर कर दी, अब ये जैसे जैसे फूट गई है अब मैं इसको समेटने का काम शुरू कर दूंगी और डालना पड़ेगा। आई थिंक जो लोग पूछ रहे हैं क्या कंसिस्टेंसी है, उन्हें आंसर मिलता जा रहा होगा। जैसे हम अपने घर का आटा मलते हैं तो आप नाप के नहीं डाल सकते कि एक कप में डेढ़ कप पानी, आपने जब अपनी गोंद और वो पेपर रेडी करके मिक्स किया है, अब मुझे जितना उसको समेटने के लिए आटा चाहिए, मीन्स ये पेपर, ये चाहिए चौक मिट्टी चाहिए, मैं डालती जा रही हूँ और उसको समेटती जा रही हूँ। आप ये देखो कितनी स्मूथ बन रही है, डालना बेटा और डालेगा, ये धीरे धीरे सिमटता जाएगा। एक चम्मच हाँ जी सुचित्रा जी, ये स्टार्टिंग में हमने बोला है चौक मिट्टी या चौक पाउडर, जिस नाम से आपको मिले, डेफिनेटली यस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हेलो हेतल, लेकिन अभी मैंने कहा ना भगवान ने चाहा बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। राइट, अभी वैसे एक है गुड न्यूज जो कि मानसी भी बता सकती है कि हम लोग अभी शायद थोड़ा सा बेंगलोर के लिए हम प्लान कर रहे हैं एक हफ्ते के लिए, 7th को संडे को हम लोग बेंगलोर जाएंगे और एक हफ्ते वही मिलेंगे, उसके बाद वापस फिर से अपना गुड़गांव। राइट,
आज ही मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए थे कि वो आप वहाँ पर आ रहे हैं, बल्कि हमने अभी डिस्क्लोज नहीं किया था। वो पता नहीं कैसे उनको कोई पुराना पोस्ट दिखा या क्या, तो मैं कहा मेरे लिए भी सरप्राइज है, बट हम एक फैमिली रियूनियन के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। एक साल पहले हम गए थे बैंगलोर और उसके बाद आज तक कहीं नहीं निकले, पूरा एक साल से हम घर में बंद हैं और एक साल के बाद फिर से वहीं जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हमारी बड़ी वाली बेटी मिताली वो बैंगलोर में है, तो बस एक साल हो गया उसको भी नहीं मिले, तो एक बार थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, उसके पास ही जा रहे हैं। बहुत टाइम से बच्चों के बिना तो खैर कुछ है ही, तो 7th को संडे को जाके संडे को ही आएंगे। उसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर पहले की तरह आप लोगों से अपनी क्लास में मिलें। धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। चौक मिट्टी ना मिले तो क्या मार्बल पाउडर यूज कर सकते हैं? मार्बल पाउडर के साथ तो 101%, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं उसमें कुछ और क्या कर सकते हैं वो आपको दिखाऊंगी एक बार, वो भी मिक्स करके बनाएंगे। अब देखो ये पूरी प्लेट का सिमटता जा रहा है। राइट, ये हम एक क्ले बनाना सिखा रहे हैं आपको विद टिश्यू पेपर। यस हेतल, जब भी मुंबई का प्लान होगा सबसे पहले आपको बताएंगे, नो वरी, अभी तक तो कुछ प्लानिंग नहीं है। मुंबई में जब मैं 4 साल थी तब वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी मेरी ऑनलाइन में हैं, ये देख रहे हो आप, धीरे धीरे करोगे ना तो बहुत अच्छा आता जाता है, टाइम लगता है बस। राइट, अगर ये थोड़ा पेपर पहले भी खोदोगे ना तो और अच्छा आता है, स्मूथ टेक्सचर आता है बहुत। लेकिन कोई भी चीज आप करते हो मेहनत मांगती है, ऐसा नहीं है आपने देखा और हो गया इस तरह से। और जब ये हो जाए आपको इसको इस तरह से, अब जैसे जैसे आप पाउडर लेते जाओगे ना, ये देखो ये सिमटना शुरू हो जाएगी। लेकिन मिट्टी है, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता इसके साथ काम करना, और इसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है। हेलो पूनम जी, हेलो रेनू जी, रेनू अग्रवाल जी, एक बार फिर से पेपर मैशे वाला जो न्यूज़पेपर वाला वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया ना न्यूज़पेपर वाले में बस क्या फर्क है, ये देखो मैं ये जो कर रही हूँ, मैं चाहूँ तो इसे और बहुत इजी तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि हम लोग करते रहते हैं, हम यूज टू हैं। आप इस तरह करोगे ना तो कोई लंप होगा भी तो वो टूट जाएगा, ये देखो। राइट, है इसकी सबसे अच्छी पहचान कि आपका आटा अच्छा मला है या नहीं, उसकी सबसे अच्छी पहचान होती है उसके अंदर का लोच, है ना। ऑर्डर आटे की तरह लिए जाओ और इसको बस, इसमें बटर नहीं था ना, ये देखो जैसे अब ये वाला है ये धीरे धीरे सिमटना शुरू हो रहा है, दिख रहा है आपको ये रहा। ये देखिए, है ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन होने लगता है। लेकिन इतनी बढ़िया चीज आपको मिलती है कि आपको काम करने में भी बहुत मजा आता है। ये मिट्टी इतनी प्यारी बनती है, इसके साथ आप जो चाहो, आप फ्लावर्स चाहो, आप कोई भी गणपति वगैरह का म्यूरल में काम कर रहे हो, मन से थोड़ा सा मेरे हाथ पे दे दो। राइट, तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी हम अपने हिसाब से लेते हैं। चाहो एक तो आप लोग करोगे तो ऑब्वियसली किसी बड़ी परात में या किसी ऐसे बर्तन में करोगे जो आपको काम करना इजी रहेगा, ये रहा, उसमें काम करना इजी हो जाता है। अब इसको लिए जाओ इस तरह से। मैं कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम क्लेज अरेंज नहीं कर पाते हैं। राइट, और इसके साथ जरूरत ही नहीं है, ये पता है इतनी मजबूत बनेगी, मानसी इसको नहीं बेटा वो दे दे, ईयरबड दे दे। ओके, अभी ये आपको दिख रहा है ना सिमटने लगी है, अब इसके बाद इसको फिर से हमें फोड़ के बहुत स्मूथ करना। आपको बाद में दिखेगा जब आपकी मेहनत पे आप काम करेंगे, एक तो इतना स्मूथ टेक्सचर आता है इसका और काम करने में भी बहुत मजा आता है। हेलो तुषार, राइट राइट फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप ही की तरह और भी जो आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट रखते हैं लोग
वो इस चीज़ को ज़रूर देख पाए। और गुड़गांव में हम एमजी रोड पे रहते हैं, एसएल टावर सोसाइटी। हेलो वैशाली, हेलो प्रिया। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं फाइनल अभी करती हूँ, एक सेकंड लगेगा जितने में मानसी आपसे बात कर रही हूँ और इसको दिखा रही हूँ मैं, एक सेकंड में आई फिर दिखाती हूँ, हाथ धो के आती हूँ एक सेकंड, क्योंकि क्लीनिनेस जरूरी है काम करने के लिए। जैसे ये हमारी बच्ची काम कर रही है, आप देख सकते हैं कनिष्का का। सो आफ्टर अ गैप, क्योंकि वापस से कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, थोड़ा सा चीज़ें वापस लाइन में आ रही हैं। तो ये है इनका पर्शियन आर्ट, जिसको कनिष्का धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं। आई होप कनिष्का एंजॉय कर रही हैं अपना। ये अभी जो चल रहा है, ये ऑलमोस्ट इनका फाइनल चल रहा है, एंड देन आप देखेंगे इस पे कितना खूबसूरत कलरिंग स्टार्ट होगा। राइट, यस, हमारा हेयर ऑयल हेयर पैक भी रेडी हो चुका है। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं कि वो हमारा ऐसा नहीं होता है कि ऑलवेज इट इज़ अवेलेबल, बिकॉज क्योंकि ये प्योर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सो ऑन टाइम वो रेडी होते हैं। इसलिए 15 डेज का उसमें टाइम पीरियड रहता है कि आपका ऑर्डर आया है 15 डेज के अंदर, जिस पीरियड में रेडी होके आया, अगर आपका ऑर्डर उसी पीरियड में आता है तो डेफिनेटली वो आपको डिस्पैच भी हो जाता है। और थैंक यू फॉर लाइकिंग अवर हेयर पैक हेयर ऑयल और इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने के लिए। तो हम वापस आते हैं अपने काम पर। मोटे वाली जगह कर लो, इसमें मत करना। तो फ्रेंड्स, ये जब मेरा तैयार हो गया, इसके बाद ये है हमारा नॉर्मल सिंपल रिफाइंड ऑयल, राइट? ठीक है, आप कोई भी लो, अगर आपके पास बेबी ऑयल है बेबी ऑयल लो, अगर नहीं है तो ये रिफाइंड ऑयल ले लो। ये लेके हाथ में थोड़ा सा, और ताकि स्मूथ हो जाए, है ना, ताकि आपको कुछ ना, बस थोड़ा सा हाफ स्पून के करीब। और ये अब हम बात करते हैं कि हमारे को कैसे पता चलेगा हमारी मिट्टी सही बनी है या नहीं, तो उसकी पहचान बताती हूँ आपको। यस फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसकी में जो हमने जो क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमने इसमें गम लिया उसकी कोई क्वांटिटी है, कोई रेशो है? मैंने बताया, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, कभी भी पहले मिट्टी, सबका अपना तरीका, मैं बार बार कहती हूँ, ऐसा नहीं है जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, मैं किस तरह करती हूँ मैं वो बता सकती हूँ। मैं पहले, आप लोग क्या करते हो, पहले आटा लेते हो उसके बाद उसमें पानी डालते हो ना, इसी तरह मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले टिश्यू पेपर लेती हूँ, उसके बाद उसमें गम डालती हूँ, उसको थोड़ा सा मैश करती हूँ अच्छे से हाथ से, उसके बाद उसमें आटा डालती जाती हूँ और होता जाता है। तो आप देखो इसके अंदर आपको पता भी नहीं चल रहा इसके अंदर कहीं भी कोई टिश्यू पेपर, राइट? और आप पूरा प्रोसेस अगर इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, हमारे पेज पे अवेलेबल रहेगी, एंड यू विल एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो फॉर श्योर। हमने फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग हमारे, हमने हमेशा कहा कि जो हमारे शेयरर थे उनको हम थैंक्स किस तरह से बोल सकते हैं, बीच बीच में गिव अवे देते हैं, कभी कोई डिस्काउंट देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, right. थैंक्स करते हैं कि वो लोग हमारा इतना ध्यान रखते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो अभी हमने एक पूरा, ताकि क्योंकि ये आर्ट के उसमें, और बार बार वो हेयर का भी और ब्यूटी का भी, और अभी उस पर हमारा कुकिंग भी स्टार्ट होने वाला है, तो हम चाहते थे वो ग्रुप्स अलग कर दें। तो मानसी ने एक अलग ग्रुप बनाया है जिसमें अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो ऑब्वियसली मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगी। उस ग्रुप का नाम है होम रेमेडी फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी बाय अनीता कपूर। ठीक है, मानसी यहाँ पे लिंक डाल देगी। उसमें लास्ट टाइम हमने दिया था, अभी हमने उसमें रिसेंटली आपको एक हेयर पैक को अपने आप से कैसे लगा सकते हैं वो बताया है, हैंड और आपका डैंड्रफ की रेमेडीज, राइट? बहुत सारी क्वेरीज थी, जो भी नाम था, और तीन चार लोग और थे उनका जो शेयर थे उनका था पिगमेंटेशन, राइट? तो अब वो सारा वहाँ पे सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग उस पर ज्वाइन कर लेना। तो वो चीज उस पर करेंगे, आर्ट का इस पर करेंगे, ठीक है? ये देखो कितना सुंदर। लेकिन जैसे हम आटा है, आप लोगों ने कभी अगर भटूरे बनाए तो बिलीव मी, आटे में बहुत ज्यादा मोल देने से अच्छा है उसको ना थोड़ा सा पटका करो, जैसे इस तरह से, ठीक है? उसमें ना लोच आ जाती है, तो इसी तरह इसको मैं जितना भी इस तरह करती जा रही हूँ इसके अंदर लोच अपने आप आती जाएगी। अब आप देखो इसके अंदर कहीं भी पता चल रहा है आपको कि इसके अंदर कोई भी पेपर है, इतना सुंदर मिल गया है, एकदम सॉफ्ट क्ले रेडी है, ठीक है? अब आ गई हमारी बात कि हमारी सही मिली है या नहीं, कैसे पता चलता है? ये देखो, ये जो इसका रेशियो आ रहा है ये है अच्छा, क्लियर? तो अब अगर ये आ गया, इसको आप रख सकते हो आराम से कहीं भी, किसी भी जिप पाउच में,
इसको लॉक करके आप आराम से रख सकते हो। अब कितने दिन, मतलब मेरा महीनों नहीं रहता क्योंकि मेरा उड़ जाता है, यूज हो जाता है। बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप एयरटाइट किसी बॉक्स में रखोगे, पाउच में रखोगे, मुझे लगता है एक महीना चल जाना चाहिए। अदरवाइज तो बनाओ और काम करो। हाँ, रोज बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ज्यादा बना सकते हो। ये देखो मैंने कितना, 4 या 5 चम्मच शायद वो लिया था और 2 टिश्यू पेपर लिए थे, उसमें इतना बना है। ये ठीक है, इसका हम क्या बनाने वाले हैं मैं संभाल के रखूंगी, बहुत जल्दी हम भी दिखाऊंगी कि मैं इसका क्या बना रही हूँ। ये मेरे छोटे से सुंदर से गणपति का मोल्ड है। आप में से जो लोग हमसे मोल्ड क्लास में थे वो सीख चुके हैं। ये हमने घर में बनाए थे खुद से, सिलिकॉन मोल्ड है ये। इस क्ले को हम किसी भी आर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं 100%। देखो हर में, मतलब डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हो, उसमें ये कैसी रहेगी वगैरह वगैरह। तो मैं एक बार आपको अपना मोल्ड दिखा देती हूँ कि मैं मोल्ड में डाल दी हूँ तो कितना खूबसूरत आ रहा है। तो आप इससे फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हो। जैसे मैं अगर ये बना के थोड़ी देर के लिए रख दूँ, अभी तो अभी डाला बेचारों को, राइट, तो देखते हैं कि अगर आपकी क्ले अच्छी बनी हुई होती है तो वो एकदम स्मूथ आ जाता है। ये देखिए एक भी क्रैक नहीं आएगा। तो आपका मोल्ड भी घर का, आपकी क्ले भी घर की, और कलर तो हम लोग सब आर्ट से कर रहे हैं तो फिर कलर तो मिल ही जाता है। तो देखो कितनी खूबसूरत, एक भी क्ले इसमें क्रैक नहीं। परफेक्ट, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन करती हूं। तो घर की चीज है, ग्लू ये वाली इतनी सस्ती आ जाती है एंड इजिली अवेलेबल ग्लू है ये तो। हाँ, ये तो बहुत शायद पता नहीं 8-10 साल पुरानी होगी, राइट। कुछ आप लोगों को सिखाना होता तो बीच में मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो मैं उससे बनाती हूँ, पंजीरी वाली गोंद से, राइट। क्योंकि मेरे थोड़े बड़े वाले प्रोजेक्ट होते तो मुझे लगता है मैं और वो, लेकिन ये भी कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये वो हो गई चौक मिट्टी, बहुत आसानी से आपको किसी भी अच्छी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगी, उसमें से आप ले सकते हो। तो ये आपका मोल्ड, अगर जो लोग मोल्ड में थे उन्हें वैसे ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो, ऐसा नहीं है कि आप कोर्स नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैं दिखाते हैं, मैंने पहले दिखाया था अमेजोन से लेकर आजकल तो बहुत सारे साइट्स आ गए हैं, ये रेडीमेड मोल्ड है, ठीक है, right। और बहुत महंगे नहीं आते। अगर आपको कुछ बहुत सारा नहीं करना है, कोई क्लासेस नहीं लेने, वहां से मुझे ना प्ले देखो। तो ये देखो आप इसके अंदर भी डालोगे तो ये बहुत सुंदर आ जाता है। मेघना जी, हाउ टू मेक अ मोल्ड का हमारा एक कोर्स है, आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ी स्ट्रक्चर हमारे पेज पे ही मेंशन है, और बाकी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस या स्टूडियो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 9582858532 या 9811599076 पे, राइट। और एक ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, एक ही क्लास है एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के नाम से, हमारी कोई ब्रांचेस या फ्रेंचाइजी नहीं है। सो दैट अगर किसी को कोई लॉस आ रहा है तो वो प्लीज़ प्लीज़ हमसे बात करके ही क्लासेस ज्वाइन किया करिएगा। बीच में सुना था ना किसी ने, राइट, क्योंकि नाम रख के और उसी तरह से करके और बहुत सारे लोगों के पैसे ले लिए थे, बहुत सारे कॉल्स आए माय के किनो किसी ने। अगर आप लोग हेयर ऑयल या पैक भी लेते हो ना, मैं कभी नहीं कहती कि मेरा नंबर उस पे जाके आप पैसे जमा करा दो ना, हमेशा कहती पहले मुझे कॉल करो, बात करो, उसके बाद मैं नंबर शेयर करती हूं। तो प्लीज इन सब चीजों से थोड़ा सा बस ध्यान रखती हूं, और कुछ नहीं। एंड आई एम श्योर जितने भी हेयर पैक यूजर्स हैं वो देख पा रहे हैं अनीता मैम के हेयर कलर के, ये नेचुरल, उससे बालों में कितना शाइन है और कितना वॉल्यूम आ चुका है। हाँ, अभी तो वो नहीं किया, आज मैंने पैक लगाया था एक्चुअली, तो राइट शैम्पू वगैरह नहीं किया, सब धोया था, तो आज बस ऐसे ही, आज ही बच्ची शाम को आई थी तो हम शाम को बैठ गए, तो लगा चलो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। एंड कनिका का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा फॉर यूजिंग हेयर ऑयल? ये बच्चे कॉलेज से आने के बाद थक जाते हैं एकदम, फर्स्ट डे है ना, राइट राइट, आदत हो जाती है ना, बस 2 मिनट। थैंक्स मेघना फॉर लाइकिंग अवर हेयर का हेयर सॉल्यूशंस एंड हेयर रेमेडीज। मैं हमेशा ही कहती हूँ जो हमारी घरेलू चीजें हैं ना उनसे अच्छा कुछ नहीं, राइट शोभना जी, इसी वजह से हम बार बार कहते हैं अगर आप अनीता मैम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही है, एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। हमें नहीं पता किसी पीछे हमारे पास मैसेजेस आए कि नहीं, ने एके आर्ट के नाम से कोई ग्रुप स्टार्ट किया जिसमें वो पोर्ट्रेट सिखाने लगे एंड दे चार्ज जो सम अराउंड 900 एंड बाद में लोगों को पता चला देयर वाज नो क्लासेस। सो हम नहीं जानते वो कौन है क्योंकि हमारी कोई कोलैबोरेशन नहीं है किसी के साथ,
जो कुछ होता है वो अनीता मैम ही करते हैं, और इसलिए हम हर किसी को कहते हैं पहले आप हमसे कांटेक्ट करके ज्वाइन करें हमारी वर्कशॉप्स। हेलो मिताली दी। तो अब फ्रेंड्स वो तो अभी पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकते कि बेंगलोर जाके आप लोगों के साथ मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन मेरा बड़ा दिल है कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, दो बेटियां एक मिताली, बड़ी बेटी जिसकी वजह से इस तरफ आए वो भी लाइव में भी है, हेलो, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इतना अच्छे से सब कर पाते हैं। कोशिश करूंगी एक बार दोनों बेटियों के साथ आप लोगों के सामने आने। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी क्ले कितनी परफेक्ट बन के आई है। कुछ नहीं करना, ये देखो इतने प्यार से निकालो, रखो, ये देखो कुछ भी एक भी क्रैक नहीं आएगा। वाओ। तो जो लोग सोचते हैं अगर बाजार से नहीं किया, तो मैं हमेशा कहती हूँ जैसे हम कलर के लिए भी ना लोगों को इतना डाउट रहता है कि हो ही नहीं सकता कि अपने नेचुरल चीजों से इतना प्यारा कलर आ सकता है, तो आ सकता है। मतलब हम लाइव एग्जांपल है उस चीज के, कोई इसमें केमिकल नहीं है, जो भी है वो नेचुरल कलर है। तो आपके पास घर में हमारे पास इतनी अच्छी चीजें होती है, जो हमारा वो ग्रुप है वो भी बहुत सक्सेस जा रहा है, हम सारी घर की चीजों के साथ करते हैं, कोई भी बाजार की चीज नहीं। ये देख सकते हैं, राइट, एक लिख रहे हैं इसका कलर एकदम सूडो क्ले जैसा दिख रहा है, राइट, और एकदम नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत हार्मफुल है, आपको नहीं यूज करनी चाहिए, बाजार से लाते हैं, काम नहीं किया और खराब हो गई तो दुख होता है, राइट, तो थोड़ा बनाओ, फ्रेश बनाओ, और ये जो बच जाता है सिर्फ इसको खुला मत डालना, एयर टाइट में, जब ड्राई हो जाएगा इसको आप कलर कर सकते हो, और इसको अच्छे से दो तीन जिप पाउच में, एक जिप पाउच में करके फिर किसी अच्छे एयर टाइट बॉक्स में रख देना, तो ये खराब नहीं होगा। मानसी यहाँ लिंक डाल देगी, right. अगर आपको हमारे साथ उस ग्रुप में भी जुड़ना है जिसमें सारी होम रेमेडीज है, हेयर को लेके, स्किन को लेके, कुकिंग को लेके, तो आप उस ग्रुप पे भी आ सकते हैं, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम उसको अप्रूव कर देंगे, तो आप वहाँ आ जाएंगे हमारे साथ, तो वो ग्रुप रखेंगे उन चीजों के लिए और यहाँ रखेंगे आर्ट का। और थैंक यू सो मच, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो जरूर हमारा वीडियो शेयर करेगा। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे फिर से, कोशिश करेंगे सैटरडे से पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए, राइट, ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, तो कर लो।